गुड मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। नाउ वी डिस्कस 3.2 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एंड द पॉइंट इन क्वाड्रिलेटरल इज पॉलीगन। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द पॉलीगन, टाइप्स ऑफ द पॉलीगन्स, सॉल्व सम एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चंस, एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चंस एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सोल्व करें इस क्वेश्चन नंबर में। अब ना अब अपन डिस्कस करेंगे 3.2 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। डायग्राम इज एक्सटीरियर एंगल। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन इज 360। जो एक्सटीरियर एंगल का प्लस है वो कितना होता है 360। सो 150 + 125 + x = 360 and now its value is 110. So value of x is 110 because we know that sum of all exterior angle plus sum is equal to the 360. Now value of x is 110. Clear hai? Let's have discuss second question. Second question is in this equation find out the value of x. Clear? We know that in any shape this is shown to the angle of 90 degree. ये जो सैंपल है, ये जो साइन है, वो आपका किसको शो करता है 90 degree। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 degree। ये जब 90 है तो बाहर वाला भी कितना हो जाएगा 90 degree। सर बाहर वाला 90 कैसे बेटा? देख इसको आप ले लो भाई, 90 + 5 = 180 बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर। वी नो दैट लीनियर पेयर मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर है कितने डिग्री एंगल बनाता है? 180 का। y = 180 - 90, सो y वैल्यू इज 90। So we know that the sum of the all exterior angles in a polygon is 360. 90 + 60 + 90 + x + 70 = 360. x + 0. 9 9 18 18 0 6 24. 24 0 7 कितना आया? 34 0 7. 24 0 7 आया 31. 360 x = 360 - 310 = 50. So what is the answer of value x?
So we know that the answer of x is 360 degree. Sorry, 50 degree. Clear hai? Addition. देखिए addition बोल दीजिए आपने क्या था 9 9 18 18 और सात 18 और सात 25 25 से 30. देखिए अब मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूं. क्लियर है? अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि इजीली प्लस टू है आप किस तरीके से कर सकते हैं. देखिए यहां 90 था यहां 90 था 70 में से 10 इधर गया 10 इधर आया 70 में से तो ये हो गया 100 ये भी हो गया 100 ये हो गया 50 और ये हो गया 60. We know that 100 100 250 60 110 so answer is 310. In the maths paper we all know the formula of maths. अपने को सबको पता है फॉर्मूला क्या है एडिशन क्या है कुछ भी चीज दे दी जाए रेगुलर पॉलीगन्स फॉर्मूला क्या है बट वी आर स्ट्रॉन्ग इन मैथ इन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. अपने को किसमें स्ट्रॉन्ग बना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन इन सब चीजों में अपने को स्ट्रॉन्ग बना और ये कब से होंगे जब आप 8th क्लास से इन सब चीजों को कवर करते हुए चले. क्लियर है? अब अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड. देखिए फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. Find the measure of each exterior angle when angle of a regular polygon of a regular polygon regular polygon when साइड इज 90. फर्स्ट में आपको साइड कितना दिया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन. सो फॉर्मूला क्या होता है एंगल ऑफ फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन एल ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला इज 360 अपॉन एल एंड इसको डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स को एंड इसको डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स. क्लियर? फाइनल मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 साइड्स इज 40 डिग्री. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर इज 40 डिग्री. व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन a polygon which all sides are equal all angles are equal is called regular polygon and the value of exterior angle is 40 degree. The value of exterior angle is 40 degree. Now suppose that exterior in a simple language simple samjha raha hu ye andar aa gaya aapka kuch bhi diagram bana hua hai ये अंदर का इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इज 40. नाउ क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल. सो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 वाई बिकॉज इट्स ए लीनियर पेयर एंड द वैल्यू ऑफ 180 माइनस 40 इज 140. क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्लियर है. नाउ इस सेकेंड क्वेश्चन इज रेगुलर पॉलीगन इज द 15 साइड आपको कितना दिया 15 साइड इज 15. ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व तो करेंगे फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर ऑफ रेगुलर पॉलीगन की साइड इज 9 का मैंने आपको बताया 15 जो है आप लोग सॉल्व करेंगे. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी साइड्स दैट ए रेगुलर पॉलीगन, हाउ मेनी साइड्स द ए रेगुलर पॉलीगन, ए रेगुलर पॉलीगन ए रेगुलर पॉलीगन है विद द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, इज 24 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह फॉर्मूले से सॉर्ट आउट करेंगे। लुक इज एक्सटीरियर एंगल इज 360 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एन यहां आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल यहां आ जाएगा, एन इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल the measure
have if the major regular polygon with major of regular polygon. Okay. We know that. Let's discuss. Angle 16, 16, 16. 120, 120, 120. Clear? What is the regular polygon definition? Each sides are equal, each angle is equal. Angle means interior angle is equal, exterior angle is equal. Clear? Major of the 360 is still greater 20 degree. When we divide it, it is 60 divided by 22. 360 is divided by 22. 180 divided by 11. When we divide it by 120 by 11, it means 11, 70, 6 times 66, 4, 40, 16.33, 70, 6 times 16, 40, clear, 36. In this regular polygon, all sides are equal. All sides are equal. And a proper manner, all sides are in don't in point system. क्यों क्या कि जो आप number of sides लिखा रहे हैं वो आपके proper होनी चाहिए. या कौन सा 15, 9, 16, 7, 8 आना चाहिए. ये ना ही point में आना चाहिए. First method. अब सर simply देखें तो कैसे पता चले क्या 360 में आप 22 से divide कर पा रहे हैं क्या? No. जैसे ये लगाया आप ऊपर की साइड 180 है क्या 180 में 11 से डिवाइड कर पा रहे हैं क्या? नो. एंड 22 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 360. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन. सो आप आंसर क्या लिख देंगे? इट इज पॉसिबल. सो नो, आंसर इज नो. एंड 22 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 22 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 360. ये आपने डिवाइड किया, 360 में डिवाइड करा, एंगल से डिवाइड करा, तो साइन आपके पास आई. अब आप एंगल को एंगल से डिफाइन करना चाहे तो भी आप इसे नहीं कर पाएंगे. क्लियर? सो 22 इन द नेक्स्ट सेशन कैन बी ए इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन. कैन बी ए इंटीरियर एंगल ए रेगुलर पॉलीगन इज वाई. सेकेंड सेशन इज Can it be an? Can it be an interior angle? Interior angle of a regular polygon and why? Interior plus exterior angle is 20. Exterior 22, interior angle is 180 minus 22 is 8/32. Now see 158 is not a multiple of 360. 158 is not multiple of 360. Sir, proper that big diagram show down bataya. 150. Angle is 158. We know that all angles in regular polygon is same, equal. This angle is 150. But other angle is 150, 300, 360 में से 316 माइनस करने पे कितना आएगा? 44. And third angle is 44. This is
नॉट पॉसिबल बिकॉज रेगुलर कॉलिगन हैव इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स. टू एंगल्स आर इक्वल बट थर्ड एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट पॉसिबल. 158 इन रेगुलर कॉलिगन एंड 158 इज नॉट फैक्टर नॉट मल्टीपल ऑफ 360. आई होप इट्स क्लियर. Now we discuss about question number 6. Question number 6. What is the minimum degree possible for a regular polygon? Polygon is starts from the side of 3. And three sides are equal and three angles are equal. X, X, X. Angles are equal and angle sum is 180. 3x is equal to 180, so x is 60 degree. So minimum value is 60 degree. Minimum value is 60 degree. Why is the minimum degree possible for the regular polygon is 60 degree? Why? Because polygon start from three sides. Regular polygon all sides same, all angles are equal, all angles are equal. What is the maximum stereo angle value? In this question, minimum, what is the maximum exterior angle value? Maximum by 60 degree and 60 degree. What is the angle of this? 120. What is the angle of this? 120. What is the angle of this? 120. Why? Let 60 plus x is equal to 180. X is equal to 180 minus 60 and 120, because it's a linear pair. 120. What is the maximum exterior angle possible for a rectangle? 120, minimum 60 degree. Here now 3.2 is complete. You sort out this question in rough mode, then goes to fair notebook and solve again and again. Clear? Have a good day. In the next video, we discuss about the property of the parallelogram, rhombus, triangle, square, rectangle, trapezium, etc. Clear? Have a good day.